नमस्ते बालाजी हिंदी ट्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोगों की स्वागत करने ही मैं फिर से लेके आई हूँ। एक जनरल मंथली रीडिंग होगी पूरे अगस्त महीने के लिए, एक से लेके 31 अगस्त तक का जो वक्त है ये कैसे जाने वाला है आपकी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पहले 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। जमिनाई 1 से लेकर 10 तारीख तक पहले 10 दिन की आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है जमिनाई। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तारीख तक की आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है जमिनाई। क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन के कार्ड रिवर्स में आए हैं, मतलब जो स्टक था चीजें बता रही हूं मैं आपको। एस ऑफ वांड्स, मुझे लगता है कुछ चीजें आपकी रुकी हुई थी, चाहे रिश्ते में हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स हैंगमैन एंड एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं और हैंगमैन के कार्ड जो है वो रिवर्स में आए हैं। मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, चाहे रिश्ते की बातें हो चाहे काम की बातें हो, जो स्लो हो गया था, जो रुक गया था, जो आपको परेशान कर रहा था। हालांकि उतनी परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन आप हो सकता है खुद ब खुद परेशान थे, हो सकता है चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, तो वो रिश्ते में हो सकता है, आपके जॉब में, वर्क लाइफ में, बिजनेस में, रिश्ते में, जो भी चीज़ें स्टक था अभी वो धीरे धीरे काम करने लगेगा और वो बहुत शुरुआत में चीज़ें धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन बाद में वो स्पीड ले लेगा। मतलब जो पूरी तरीके से स्टक था, रुक गया था, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे थे, चाहे लव लाइफ में कुछ स्टक था, चाहे वर्क लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में, चाहे बिजनेस में, जो भी, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, जनरल रीडिंग भी है, हर स्थिति को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये लव रीडिंग है, लव रीडिंग तो अलग से हम करते ही है। तो जो भी चीज़ स्टक था, आप दुविधा में थे, परेशानी में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इनडिसाइसिव थे, रुक गया था, उन चीज़ों में धीरे धीरे गति आएगी और आप चीज़ों को, जो अब तक जो आप अकेले सोच रहे थे, झेल रहे थे, किसी से बता नहीं रहे थे, तो उन चीज़ों में परिवर्तन आएगा, कामों में गति आएगी। पहले थोड़ी स्लो मोशन में आएगा क्योंकि स्टक था, लेकिन 10 दिन के जो अंत के जो दिन होंगे उसमें आप देखिएगा कुछ नई चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, आप में भी परिवर्तन आ जाएगा, एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए, जो स्टकनेस था आप में वो दूर होता जाएगा और आपका मूड भी परिवर्तन होता जाएगा। अभी हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या ला रहे हैं जमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। हम ये देखेंगे कि मिडिल के जो 10 दिन है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। पहले मैंने देखा कि शुरुआत के जो अंत के दिन है मतलब 10 दिन से पहले 7 दिन 6 दिन से ही आप में एक स्पीड आ जाएगी। जो चीज़ें स्टक था, रुक गया था, इमोशन जो आप कंट्रोल कर रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उनमें एक गति आ जाएगा। मिडिल के 10 डेज जो आए हैं, टू ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड द फूल के कार्ड। जैसे कि मैंने कहा जो चीज़ें स्टक थी, चीज़ें हो नहीं रहा था, रुक गया था, उन चीज़ों में गति आएगी। अब गति आने के बाद वो क्या होगा, वो स्पीड ले लेगा, आप बैलेंस कर पाओगे। हो सकता है पहले आप इंडिसाइसिव थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप स्टक थे, रुके हुए थे, थोड़ी सी चिंतित थे, तो उन चीज़ों में गति आएगी, आपको बैलेंस करना आ जाएगा और आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाओगे। आपको ये लगेगा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पैसे सेविंग्स करते हैं, वो काम करते हैं, रिश्ते को बैलेंस करते हैं, इन चीज़ों को करते करते आप में एक नया चीज़ और आ जाएगा। आप अपने तरीके से करने लगोगे हर काम को, जो पिछले जो आपके तरीके थे, पहले की जो आपके तरीके थे, उस तरीके को आप चेंज करने लग जाओगे। आपको लगेगा अभी मेरा अपना तरीका होगा, मैंने बहुत कोशिश किया, चीज़ों को सही किया, कोशिश करके सही किया, पहले स्टक था, बैलेंस नहीं था, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था, इंडिसाइसिव हो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था, तो अभी वो चीज़ें जब सही होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा अब मैं जो करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा, अब मुझे किसी के बारे में सोचना नहीं है। कुछ नया करने की स्थिति आएगी, आप में सोच आएगी, परिवर्तन आएगी, फ्रीडम के साथ आप काम करने लग जाओगे। अगर पहले आप लोगों के बारे में सोचते थे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो अभी आप में फ्रीडम आनी शुरू हो जाएगी, आपके सोच में फ्रीडम आ जाएगा, काम में फ्रीडम आ जाएगा और पिछली चीज़ों को आप भूल के एक नए शुरुआत करने के बारे में सोचोगे बिंदास एनर्जी से। कुछ कहीं आप सोचोगे मुझे ये करना है, वो करना है, घूमने जाना है, अपने बारे में सोचना है, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना है, अपना डिसीजन, खुद की डिसीजन खुद लेनी है। अभी आप और किसी से डरोगे नहीं, सोचोगे नहीं, आप अभी फ्रीडम के साथ अपना डिसीजन खुद लोगे और बहुत स्फूर्ति के साथ मतलब एक्शन लेना आप शुरू कर दोगे। अभी हम देखेंगे अंत के जो 10 दिन हैं वो कैसे जाने वाले हैं आपके लिए जेमिनाई। मैंने कहा ना जब फ्रीडम आ जाएगा किसी के दिमाग में कि भाई मुझे किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ, जैसे चल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से सही हूँ, तब वो किसी का नहीं मानेगा, वो बंदा या बंदी। देखो कार्ड भी वैसा ही आ रहा है कि आप अभी किसी की बात सुन के नहीं चलोगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करोगे, चाहे आपको किसी चीज़ की प्रति एडिक्शन हो, नशा करना हो, घूमना हो, काम करना हो, बाहर जाना हो, या खुशी को इनहेंस करना है, तो आप अपने आप में उन चीज़ों को करने लग जाओगे। किसी के साथ अगर आपका रिश्ता था, दोनों रिश्ते में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अभी आप बैलेंस करने लग जाओगे। कुछ चीज़ों में अगर आपका ऑब्सेशन था, कार्ड आया है द डेविल के कार्ड, सन के कार्ड, लवर्स के कार्ड, मेजर अर्कना के तीन तीन कार्ड एक साथ आया, दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। जो चीज़ें जैसे चल रहा था वो नहीं चलेगा, अंत आते आते अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है और आप वो बोल नहीं पा रहे थे, वो आप बोल डालोगे।
किसी चीज को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस करोगे। किसी के साथ आप फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हो, फिजिकल एडिक्शन हो जाता है आपको, ऐसा भी हो सकता है। किसी के साथ आप एक्स्ट्रा कोई लव अफेयर में पड़ सकते हो, या अगर पहले से ही आपका ये लव अफेयर था और शादी भी थी, चीज़ें सही नहीं चल रहा था, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उन चीज़ों में आपको बैलेंस मिलेगी। कुछ नया चीज़ें होने लग जाएंगे, परिवर्तन होगा। सन का कार्ड आया है, मेजर 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 हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है। या तो आप माता पिता बन सकते हो, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल सकता है, रिश्ते में विक्ट्री, काम में, परिवार में, हर चीज़ में आपकी एक अलग पहचान होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी मनमर्जी कर पाओगे, मर्जी के मालिक हो जाओगे। किसी चीज़ को अगर आपको अच्छा लगता था, जिस चीज़ को आप खुल के नहीं बोल पा रहे थे, तो उसमें आप खुल के एक्शन लेना शुरू कर दोगे। किसी की नहीं मानोगे आप, क्योंकि आपको ये लगेगा मेरी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीना है। अल्टीमेट जो होगा वो आपके लिए खुद की खुशी आपको मिलेगी, अपनी खुशी, अपनी मर्जी से आप सारा काम कर पाओगे और आपको खुशी भी मिल जाएगी, विक्ट्री भी मिलेगी। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। जमिनाई, बिग हैप्पी चेंजेस, ये होना ही होना था ना। कुछ जो कार्ड भी आया है, ये लियो का मतलब सन का कार्ड आया है और साथ ही साथ आया है बिग हैप्पी चेंजेस। तो चेंज तो होने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है लाइफ में और ये होकर रहेगा। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है, एंजल भी आपसे कह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो अच्छा चीज़ है होना था वो होगा, जो चल नहीं रहा था वो चला जाएगा। लेट गो का कार्ड आया है, आपको लेट गो करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा, अच्छे चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा। जो आपको सर्व नहीं कर रहा था उन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। भाई ये नहीं हो रहा है मुझसे, इसको छोड़ देते हैं और नए चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि विक्ट्री तो आपके लाइफ में आ ही रहा है। ग्रोथ, अबंडेंट विक्ट्री, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। तो खुश हो जाइए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।